नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नूर महल से और अबरार हसन जो यूट्यूबर हैं और साथ ही साथ बाइक राइडिंग करते हैं और काफी कंट्रीज में घूम के वो आज भारत पहुंचे हैं। भारत में दिल्ली होते हुए करनाल नूर महल पहुंचे। करनाल राइडर ग्रुप की तरफ से जो स्वागत है वो किया गया है। अबरार जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, यहाँ करनाल पहुंचे हो आज? आप कुछ पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा जी। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम यहाँ पे जो है ना आगे स्टे करेंगे, लेकिन कल कुछ लोगों के मैसेजेस मिले तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने अरेंज किया और इस तरह आप लोगों ने वेलकम किया यहाँ पे। बहुत कैसा लग रहा है यहाँ का वेलकम सर? बहुत अच्छा। ऑफकोर्स इतना लोग प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, उसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। जब लोग आपको इतनी इज्जत इतने प्यार से बुलाते हैं, आप उनसे मिलते हो और स्पेशली जब कुछ लोगों को तो आप कभी ज़िंदगी में मिले नहीं होते, शायद उन्होंने आपके कुछ वीडियोस देखी होती है और उसके वो जो एक अमन का और एक प्यार का जो रिश्ता आप लोगों के साथ, एक स्पेशली इस रीजन के लोगों के साथ हमारा है, उसकी वजह से बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। सर, जब ये सफ़र शुरू किया था तब सोचा था कि जनता का इतना भरपूर प्यार आप लेंगे और इस तरीके से शहरों में जाएंगे और आपका ऐसे स्वागत किया जाएगा? जब इंडिया का मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल मैंने सोचा था, मुझे पता था क्योंकि इंडिया में मुझे बहुत लोग मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 500,000 लोग जो है वो यहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं मेरी वीडियोस। तो इससे मैं अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया नहीं है, अगर बताता तो आई थिंक इससे भी ज़्यादा लोग जो है वो एक्साइटेड होते और ज़्यादा लोग जो है मिलने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे पास वीज़े की लिमिटेशन थी, थोड़ा वीज़ा था, तो जिस वजह से मैंने उसको जो है वो कोशिश की है कि मैं जितना इंडिया को कवर करके ख़ुद भी अपना ख्वाब जीऊँ और लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर सकूँ। अभी तक कितनी कंट्रीज़ आप कवर कर चुके हैं? गिननी पड़ेंगी, आई थिंक 27-28 जो है वो बाइक पे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 87-88 वैसे हैं। अगला टारगेट क्या है? लोकेशन आपकी क्या है? इसके बाद तो हमारी लोकेशन चंडीगढ़, फिर अमृतसर, फिर लाहौर, उसके बाद हम देखते हैं इधर दोबारा इंडिया या फिर सेंट्रल एशिया की तरफ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज करनाल पहुंचे हैं करनाल वासियों को? करनाल राइडर ग्रुप ने आपका वेलकम किया, करनाल राइडर ग्रुप को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आई थिंक जब लोग इस तरह पाकिस्तान में देखेंगे कि इतना एक हमारे हमवतन बंदे को इतना यहाँ पे प्यार मोहब्बत जो है वो मिल रही है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा जो मैसेज मिलेगा वापस पाकिस्तानियों को कि यहाँ पे भी उसी तरह के लोग हैं जिस तरह उस तरफ हैं। बिल्कुल, सेम सोचना, सेम खाना पीना, सेम उठना बैठना। और होपफुली कभी ऐसे हो कि लाहौर में बंदा डिनर करे और ब्रेकफास्ट अमृतसर करे, ख्वाहिश होगी। बहुत अच्छा। काफ़ी राइडर्स आपसे इंस्पायर होते हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ उन्हें सीखना चाहिए, किस तरह से राइडिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे आप? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमेशा राइड रिस्पॉन्सिबली, अपनी और जो भी साथ रोड के ऊपर निकले होते हैं उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा सेफ्टी गियर पहन के राइड करें और नो योर लिमिट्स, ताकि ना आपको नुकसान पहुँचे, आपकी फैमिली घर बैठी आपका इंतज़ार कर रही होती है, दूसरे लोग जो रोड पे होते हैं उनकी फैमिलीज भी होती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेफ्टी है। जब भी आप अभी आपने एक जवाब दिया है कि एक लाहौर में ब्रेकफास्ट और अमृतसर में लंच, क्या फील करते हैं इस बात को? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो सोचते साथ ही गूस पंप्स आते हैं, मतलब क्यों नहीं। यहाँ के लोगों जिनसे मैं मिलता हूँ उनकी ख्वाहिश होती है वो लाहौर देखें, पाकिस्तान देखें। सिमिलरली हमारी भी ये ख्वाहिश है, मैं भी एक ख्वाहिश लेके आया था, आज वो एक हकीकत बनी हुई है। मतलब एक बहुत हमेशा से ख्वाहिश थी, कभी सोचा नहीं था कि मुझे घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं होता कौन सी वो एक टाइम होता है जब आपकी दिली ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, तो मैं शायद लकी हूँ। थैंक यू। देख सकते हैं अबरार हसन जो काफ़ी फेम कमा चुके हैं अपना यूट्यूब पर भी और इसी बाइक पर काफ़ी कंट्रियाँ जो हैं वो घूम चुके हैं, और आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं अबरार हसन का जो करनाल राइडर ग्रुप है उनके द्वारा जो स्वागत है वो करनाल नूर महल में किया जा रहा है, और फिलहाल वो अभी दिल्ली से आए हैं और दिल्ली से अब चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर, फिर लाहौर होते हुए वापस पाकिस्तान जाएंगे और जर्मनी पासपोर्ट पर हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में घूमकर जो है अपनी बाइक पर आज करनाल पहुंचे हैं, जिनका वेलकम जो है वो यहाँ पर होता हुआ आपको तस्वीरों के अंदर नज़र आ रहा होगा। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अबरार हसन हैं और बाइक राइडिंग करते हैं, काफ़ी कंट्री जो हैं वो घूम चुके हैं बाइक के ऊपर और अपनी BMW बाइक के ऊपर काफ़ी
कंट्रीज में जो है इन्होंने में और किस तरह से करनाल बाइक राइडर ग्रुप की तरफ से ये जो स्वागत है वो होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग तो हमारा भी करनाल का ग्रुप है करनाल राइडर्स के नाम से, तो हम लोग वीकेंड पर राइड्स भी करते रहते हैं और जैसे मौका मिलता है तो राइड्स पर जाते रहते हैं। जब हमें पता लगा कि सर आ रहे हैं और फिर मौका मिला इनके वेलकम करने का तो हम लोग इकट्ठे हुए और सब ने इनको वेलकम करने के लिए इनको रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने एक्सेप्ट भी करी, तो ठीक है जी, तो इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और एक अच्छा लगा बहुत इनसे मिलके, कुछ बातचीत करेंगे अपने शेयर भी करेंगे सबको व्यूज़। कैसा लगा यहाँ? आप देख सकते हैं जो अबरार हसन है उनका वेलकम देखिए, अब यहाँ पर जो भारतीय परंपरा है उसके मुताबिक जो है उनका वेलकम जो है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए किस तरह से नूर महल की टीम के द्वारा जो स्वागत है वो होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। करनाल राइडर ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके वेलकम के लिए पहुँचा था और तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं सभी जो साथी हैं उनका वेलकम जो है वो किया जा रहा है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैं आप सभी से अपील भी करूंगा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। देखिए किस तरह से सभी प्यार देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अबरार हसन जो राइडर हैं वो आज करनाल पहुँचे हैं। एक्चुअली मेरे बस में तो मैं सबके सपने पूरे करूं और बाकी मेरे सपने पूरे करें, ये ना मेरे बस में है ना इन लोगों के बस में है। ये जब हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो रास्ते खोलेंगे, मेरे लिए खुले हैं, मुझे नहीं पता कैसे खुले हैं। और दुआएं सब लोगों की कि इन लोगों के लिए भी जो है ना, और मुझे और घूमने का मौका मिला। मतलब 30 दिन में तो मैंने इंडिया को हाथ भी नहीं सही तरह से लगाया, अभी तो मुझे बहुत टाइम चाहिए देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कोई ऐसी कंट्री भी है जहाँ अड़चन आई हो आपको? सॉरी, कोई ऐसी कंट्री भी है जहाँ पर अड़चन आई हो आपको वहाँ पर? मुश्किल काफ़ी कंट्रीज थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यमन में गया था, वहाँ पर बॉर्डर पे रिसेंटली थे जी, क्योंकि उससे पहले वहाँ की उनके वीज़ा पॉलिसीज अचानक से चेंज हो गई थी। इराक के बॉर्डर पे थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन वो चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ ट्रैवल। कौन सा देश जहाँ आप जाना चाहते हैं और अभी तक जा नहीं पाए? एक ख्वाहिश होती है क्योंकि ख्वाहिशें कम नहीं होती हैं, लक्ष्य होता है कि वो मुकाम मैंने पूरा कर लिया। मन में सोचा हुआ? एक्चुअली मुझे ये लगता था मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा, इंडिया नहीं आ पाऊंगा। बाकी कंट्रीज ऐसी हैं कि मैं उनसे पूरी इंडिया आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क है इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। और मैं बॉर्डर से हार्डली 40-50 किलोमीटर दूर रहता हूँ और सबसे ज़्यादा जो सिख यात्री आते हैं वो हमारे शहर आते हैं, ननकाना साहब के पास। मैं ननकाना साहब में ही रहता हूँ, तो वो हमेशा से एक ख्वाहिश थी। बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा मिलना सब कुछ ईजी है, लेकिन इंडिया का थोड़ा टफ था और वो पूरा हो गया, बाकी हम कर लेंगे। वैसा तो नहीं निकला, मतलब कैसा? मतलब जैसे आप कह रहे थे कि मैंने बहुत कुछ सुना था इंडिया के बारे में, मतलब जितना प्यार मुझे यहाँ आने से पहले इंडिया से मिल रहा था और मुझे पता था कि यहाँ पे जब मैं आऊँगा, अभी तो मैंने लोगों को बताया नहीं, अगर मैं लोगों को बता के आता तो मतलब कोई दुनिया में ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे आप जाते हो और आप सोचते हो कि अच्छा यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। और इंडिया के बारे में मेरी हमेशा यही राय थी, और जो ट्रैवलर होता है उनको पता होता है कि आप जब ट्रैवल करते हो आपको अच्छे अच्छे लोग ही मिलते हैं और आपका हमेशा जो है वो वेलकम ही किया जाता है। तो मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, हमारे इंडिया से एक ही बाइकर आज तक पाकिस्तान बाई रोड जा पाए हैं और मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ काफ़ी कुछ सुना और उनसे मशवरा भी करा कि बहुत लाजवाब मेहमान नवाजी है। और बाइकर कम्युनिटी एक ऐसी है कि जो बॉर्डर्स नहीं मानती, तो भी राइडर का भी आज हुआ है तो वेलकम किया, तो क्या कहेंगे? मैं करनाल राइडर्स का हमेशा से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 10 साल से तो देख रहा हूँ कि ये करनाल राइडर्स जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कोई ना कोई शख्स ज़रूर यहाँ खड़ा होता है। मैं पाली जी को करीब 11-12 साल से जानता हूँ और हम कई बार रात को 1:30-2 बजे भी फंसे हैं, इन्होंने रात को 1:30-2 बजे भी पूरी करनाल की टीम ने हमारे को मदद करी है। करनाल एक एग्जाम्पल है पूरी इंडिया की बाइकिंग कम्युनिटी के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? दिल्ली से आप साथ आ रहे हैं, कैसा लगा अबरार जी आपके पास पहुंचे तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा भी ड्रीम था कि अबरार जी के साथ मैं टाइम बिताऊं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। तो हम लोग 3-4 दिन साथ में रहे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने से मिली हैं और स्पेशली उनका जो नेचर है, इतना हम्बल नेचर है, फिर लगता है कि हाँ इतना कुछ होने के बाद तो बहुत कुछ है। आपने घुमाया दिल्ली इनको? दिल्ली काफ़ी घुमाया है, ये खुद भी घूमे हैं।
आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर दिल्ली से निकले थे और आज वेलकम जो है वो नूरमहल में किया गया। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। आप देख सकते हैं हरियाणा की शान जो है वो पगड़ी पहनाई जा रही है। अबरार हसन जो करनाल पहुंचे थे नूरमहल और देखिए उनको पगड़ी बांध कर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। हरियाणा की पहचान जो होता है वो इस पगड़ी से देख सकते हैं किस तरह से अब उनको जो है वो पगड़ी अबरार हसन जी को पहनाई जा रही है जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें।